टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं तय कर रही हूँ यहाँ पर कपड़े, वो भी जल्दी जल्दी। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े क्यों तय कर रही हूँ वो भी मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। तो मैंने अभी 4 बजे कपड़े धोए थे और आजकल तो धूप इतनी तेज़ है कि फटाक से सूख जाते हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं इनको तय करके रख लेती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े इसलिए तय करती क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ अपने मायके। तो मैंने उससे पहले सोचा मैं अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। तो अभी आएंगे रोहित, मतलब थोड़ी देर में आएंगे वो, और उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, तो हम लोग 7 बजे समथिंग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी तो 6 बज रहे हैं इसलिए। तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी हम लोगों ने पी थी चाय, तो 5:30 बजे मम्मी और मैंने चाय पी थी, शाम की चाय। तो मैं अपने मायके क्यों जा रही हूँ वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। तो मैं अपने मायके इसलिए जा रही हूँ कि मेरे मायके में कल एक छोटा सा फैमिली फंक्शन, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं आज शाम को। तो शाम को ही जाना सही रहता है क्योंकि दिन में धूप में नहीं जाया जाता है। आजकल तो आप लोग को पता ही है कितनी धूप हो रही है और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं निकला जाता है और थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता है इसलिए। तो बस हम लोग कल वहीं पर रहेंगे और हम लोग आएंगे फिर परसों। तो बस यही मैं आप लोग को बता रही थी। तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ, वहाँ पर मैं कल जाके आप लोग को मिलाऊंगी। तो देखते हैं किस किस से मिलाते हैं और कितना टाइम मिलता है, तो वो तो हम लोग वहीं पे जाके देखेंगे। तो बस अभी थोड़े से और मुझे कपड़े तय करने हैं और उसके बाद पैकिंग वगैरह मैंने कर ली है। ज़्यादा पैकिंग तो कुछ नहीं थी, बस एक ही बैग में ही पैक किया है थोड़े बहुत कपड़े जो हम लोगों को कल चाहिए, मतलब वहाँ पर पहनने के लिए। तो चलिए फिर मैं वहीं पे जाके आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी मैं अपना फटाफट से ये काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर ये आने वाले हैं, फिर ये जल्दी मचाते हैं, जल्दी करो इसलिए। तो चलिए फिर अब वहीं पे जाके मिलते हैं, तब तक बाय बाय। तो गाइज़ मैं अपने घर आ गई थी और आज है नेक्स्ट डे और हम सब आए हैं मंदिर, मतलब कि मेरी पूरी फैमिली आई है मेरे साथ और मैं आई हूँ अभी मंदिर के बैक साइड में। और आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ से व्यू, काफ़ी सुंदर व्यू यहाँ का। और इस तरीके से बेंचेस बने हुए हैं यहाँ पर बैठने के लिए और सब कर रहे हैं पूजा और मैंने पूजा कर ली है। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ से नीचे का व्यू, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अभी टाइम हो रहा है, अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और हम लोग सुबह ही निकल गए थे 5 बजे। तो बस ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर और रोहित भी यहीं पर ही हैं। तो चलिए अब सब ने पूजा कर ली है और मुझे बुला रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अब घर। घर जाते हुए हम लोग जाएंगे जिम, तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए रोहित भी कर रहे हैं साइकिलिंग। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर है ओपन जिम। तो मॉर्निंग में जब हम जा रहे थे तो लोग यहाँ पे जिम कर रहे थे, बट हमें अभी टाइम मिला, अभी हम वापस आए तो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। तो ये देख लीजिए यहाँ पे लोग काफी करते हैं एक्सरसाइज और उस तरह बच्चों के लगे हुए हैं कुछ झूले वगैरह, बस स्लाइडर और बस स्टेप्स वाले। तो ये आर्मी एरिया है, तो ये आर्मी एरिया का है ओपन जिम। तो अब इसमें हम लोग भी बैठने जा रहे हैं धीरे से। ओह माय गॉड, तो मैं भी बैठूंगी यहाँ पर, मैं नहीं तो वही रही। तो ये देखिए ये इस तरीके से होता है और मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये। पाँव अच्छे से रखो ना, तो मुझे आता नहीं है बट मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ। और ये वाला है, हाँ ऐसे, ये वाला आई थिंक बॉडी बनाने के लिए है ना, जैसे मसल्स वगैरह। मसल्स किस चीज़ के लिए, ये मसल्स के लिए है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे आके हम लोग इस तरीके से यहाँ पे रुक गए हैं और थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। तो मैं भी एक्सपीरियंस लेती हूँ और बैठ के देखती हूँ कैसा होएगा, मेरी हाइट पहुँच जाएगी यहाँ पे कैसे ऐसे। वाह, तो देखिए आज कर रही हूँ मैं जिम और मैं आज ही हो जाऊँगी बिल्कुल स्लिम फिट। काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है कोई झूला होगा। और अपने तो मैं आ जाई थी अपने मायके और यहाँ पर है आज कुछ फैमिली फंक्शन। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है टेंट और यहाँ पे कुछ चेयर्स और यहाँ पे बैठे बच्चे। हाय तो चलिए अभी मैं आप लोग को लेके चलती हूँ अंदर और मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि घर में कौन कौन है, मैं आप लोगों को सभी से मिलवाती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले मेरी भाभी। हाय। तो ये है मेरी बड़ी भाभी, कैसे हो आप? ठीक है, ठीक हो?
तो चलिए और देखते हैं कि कौन कौन है यहाँ पर। और ये देखिए, ये है मेरी बड़ी वाली दीदी। हाय, कैसे हो आप? और मेरी वीडियो देखते हो? बहुत अच्छी है मेरी बहन की वीडियो, बहुत अच्छी बनाती है मेरी बहन वीडियो। तो चलिए फिर और मिलते हैं किसी से, देखते हैं इस रूम में कौन कौन है इस रूम में। तो चलिए फिर, यहाँ पर बहुत सारे जने हैं जो बहुत एक्साइटेड है और थोड़े नर्वस भी हैं। तो ये है मेरी छोटी भाभी। हेलो, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, ये बिल्कुल कैमरा शाई नहीं है, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। तो अब मैं मिलाऊंगी अपनी छोटी वाली दीदी से आपको। तो ये यहीं बैठी हुई है जो। हाय, हेलो, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। और आज माइक में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो अपनी सिस्टर से मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी है, इसका नेचर बहुत अच्छा है। थैंक यू। उसके बगैर तो हमारा माइक में दिल ही नहीं लगता। थैंक यू सो मच। आप मतलब कैमरे के आगे बोल रहे हो या फिर सच में बोल रहे हो? सच में बोल रही हूँ, रियल में बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू। और इससे तो आप मिल गए थे, ये है मेरी दीदी की बेटी। तो आज आने वाला इसका रिजल्ट, ये बहुत ही नर्वस है। आप देख सकते हैं इसको, नर्वसनेस उसके फेस पे दिख रही है। तो कोई नहीं, इसका रिजल्ट आएगा अच्छा। तो चलिए अब मैं लगाती हूँ मैं अपनी मम्मी से आप लोग। और हाँ, एक और है यहाँ पर। तो ये है मेरी दीदी की बड़ी वाली बेटी। तो ये बनी हुई है आज माता, इसने बना रखा है माता वाला टीका। तो चलिए और देखते हैं कौन कौन है, और भी मैं आप लोग को मिलवाती हूँ सबसे। तो खाने का अरेंजमेंट है बाहर, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेबल लगा रखे हैं, और भैया लगा रहे हैं फैन, और पीछे बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैं भैया से कर रही हूँ थोड़ी मजाक, और पूछ रही हूँ कि आपने इतनी बॉडी क्यों बना रखी है। तो ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। और गर्मी काफ़ी थी तो कुछ लोग अंदर ही बैठे हुए थे। तो यहाँ पर दीदी खिला रही है इस क्यूटी पाई को खाना। तो ये देखिए, ये खा रहा है, और कैसे देख रहा है, उसकी आइज़ देखिए कितनी प्यारी है इसकी आइज़, सो क्यूट। तो ये देखिए, अब लंच स्टार्ट हो चुका है, तो सब लोग लंच कर रहे हैं। वैसे हमारे घर के बाहर पेड़ वेड़ काफ़ी है, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, तो मतलब ठीक ही था। और फ़ैन वगैरह भी लगा रखे थे तो अच्छा चल रहा था। तो आप लोग देखिए पूरी वीडियो और इन्जॉय कीजिए। Searching for higher ground, can't see in front of me, my enemy.